नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो आपके सीटेट, यूपीटेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपका एक नंबर तो पक्का है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर एक है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज, तो वो नवीनतम दस्तावेज है एनसीएफ 2005। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो वो तैयार किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? तो जो अध्यक्ष थे इसके वो थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है वो है बिना भार के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो वो होती है सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सुविधादाता की भूमिका में होगा? तो सुविधादाता की भूमिका में होगा अध्यापक। फुल फॉर्म, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृतियों का मतलब है, तो गणित की लंबी आकृतियों का मतलब है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 बल देती है, किस पर बल देती है? वो देती है करके सीखने पर बल देती है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है, तो एनसीएफ का जो भाषा फार्मूला है वो त्रिभाषाई फार्मूला है, जिसमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और स्थानीय भाषा होती है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग पर बल दिया गया है? तो किन कौन से सूत्र हैं? वो हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो दोस्तों ये थे वो 11 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? और पसंद लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।